फ्रेंड्स, गेम सेल्स एकेडमी के अंदर आपको इंश्योरेंस संबंधित प्रोस्पेक्टिंग, सेल्स आइडियाज, प्रेजेंटेशन, एजेंडा, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। हमारी इंश्योरेंस सेल्स एक व्यक्ति बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, एक तरीके से वो ईश्वर से भी नाराज था और एक मंदिर के बाहर बैठ करके अपने आप को कोस रहा था, भगवान से प्रश्न कर रहा था, हे ईश्वर, तूने मेरी लाइफ क्या बनाई, क्यों बनाई, मुझे अपने पास बुला ले, मुझे नहीं पसंद है लाइफ। ईश्वर को शायद उसके ऊपर दया आई एंड ईश्वर ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा, बोल बेटा, ऊपर देखा, आप बेटे विश्वास कर, मैं भगवान ही हूं, मैं भगवान ही हूं, बता क्या परेशानी। उसने ईश्वर से अपनी सारी शिकायतें कहनी शुरू कर दी, मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं है, जो करता हूं फेल हो जाता हूं हर तरफ से। ईश्वर ने कहा, बेटा मैं तेरी सब बात का जवाब दूंगा, बस एक काम कर, ये जो मेरे हाथ में एक पत्थर है, एक चमत्कार, एक आकर्षक पत्थर जिसमें से लाइट निकल रही थी, उसको ऐसा महसूस हो रहा था, उसको ईश्वर ने दिया, जैसे बेच करा, लेकिन बेचना भी मत, बस रेट मालूम करना और मेरे पास आना, कम से कम 5 व्यक्ति से मिलना। वो व्यक्ति बहुत भूखा था, सामने उसे एक होटल नजर आया, उसने उससे पूछा, होटल वाले ने उसको ऊपर नीचे करके पत्थर को देखा, कहता भाई मेरे क्या काम आएगा, कागज जमाने के, खाना खा जा और ये पत्थर दे दे। भूखा था, उसने सोचा, फिर उसे याद आया, नहीं ईश्वर ने तो कहा था किसी को बेचना नहीं है, खाली रेट लगाना है। तो और आगे बढ़ा, सामने उसे काजू और पिस्ते वाली दुकान नजर आई, ड्राई फ्रूट्स की, वो उनके पास गया, उसके मालिक को पत्थर दिखाया, आप ये कितने में खरीदेंगे, मालिक ने ऊपर नीचे देखा, उसको पत्थर बहुत अच्छा लगा, उसने कहा ये तो अच्छा पत्थर लग रहा भाई, मेरी दुकान की शोभा बढ़ाएगा, ले 1 किलो काजू लेकर चला जा, मैं 1 किलो काजू इस पत्थर के बदले दे दूंगा। वो व्यक्ति चौंका, एक व्यक्ति केवल खाने में, ये काजू, इसका मतलब इस पत्थर में कुछ तो जान है। उसने सोचा भूखा रह लूंगा लेकिन इस पत्थर की वैल्यू तो मालूम करूं, ईश्वर ने ऐसा ही नहीं दिया। वो आगे निकला, मार्केट खुल चुका था, उसे एक ज्वेलर की दुकान नजर आई, ज्वेलर अपने गद्दी पर बैठे हुए थे, वो अंदर गया, उसने उनके हाथ में, ज्वेलर के हाथ में वो पत्थर रख के कहा, मुझे इसका क्या दोगे, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, इसके रेट मालूम करना चाहता हूँ। ज्वेलर ने उसको देखा, उसकी आंखों की चमक बढ़ने लगी, वो व्यक्ति महसूस करने लगा कुछ खास बात हो रही है, उसने, मैं इसके 25 लाख दे सकता हूँ, 25 लाख। वो व्यक्ति चौंक गया, 25 लाख, बोला नहीं 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 मैं नहीं नहीं 25 लाख में नहीं दूंगा। अरे तो ऐसा करो 35 लाख, करते करते वो ज्वेलर 50 लाख तक आ गया। उसने कहा नहीं मैं अभी नहीं बेच सकता, मैं इसके रेट मालूम करना चाहता था, ना रेट मालूम करने आते जाओ आप। लेकिन वो व्यक्ति समझ गया मेरे हाथ में कोई स्पेशल चीज है। आगे उसने सोचा मंदिर चलता हूँ, लेकिन रास्ते में उसको एक डायमंड की दुकान नजर आई, उसने डायमंड वाले को वो दिखाया, वो व्यक्ति कहने लगा आप ये कहाँ से लाए हो, ये तो विश्व का सबसे बड़ा एक चमत्कारिक पत्थर है, मैं सारी दुकान भी आपको दे दूं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकता, दोस्त ये जहां से लाए उसको सुरक्षित रखिए, मैं नहीं कहूंगा बेचो पर इसकी कोई कीमत नहीं है। वो वापस भगवान के पास आया, ईश्वर ये लीजिए, लेकिन एक ने केवल खाने के बदले, एक ने 1 किलो काजू, एक ने 50 लाख, और ये दूसरा व्यक्ति तो कह रहा है बहुत चमत्कारिक है। ईश्वर बोला दोस्त तेरी जिंदगी भी ऐसी है, बहुत कीमती है पर किसी के लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, किसी के लिए बहुत वैल्यू रखती है, एक बार अपने परिवार से पूछ तेरी क्या कीमत है। और दोस्तों हम सब इंश्योरेंस बिजनेस में, मैं एक बार कहता हूं आप सबकी एजेंसी भी वो चमत्कारिक पत्थर ही है। अगर आप किसी निगेटिव व्यक्ति के पास रह रहे हो जो सक्सेस नहीं ले रही तो उसके लिए वो बोझ है, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास उस एजेंसी की बात कर रहे हो आपके सर्किल में जो व्यक्ति सोचता है कि ठीक है काम चल रहा है 10-15-20 हजार रुपए आ रहे हैं ठीक है चल रही है तो उसके लिए कीमत 1 किलो काजू है। और यदि आप अपनी ब्रांच के टॉप 10 से किसी से पूछते हो वो कहता है बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बार उन लोगों से पूछिए जो करोड़ों कमा रहे हैं तो आप देखोगे LIC की एजेंसी को कहेगा चमत्कारी क्या, किसी को मत दे, मत छोड़, इसको पकड़ के रख एंड इसमें सक्सेस प्राप्त करो। क्या आप अपनी LIC एजेंसी को ऐसे ही चमत्कारी पत्थर के रूप में बदलना नहीं चाहते? अगर चाहते हो तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, और मैं तो कहता हूं आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स की लिमिट ही खत्म कर दो,
आप यहां बैठ करके कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। अपनी एजेंसी के बारे में सोचिए, आइए हम कुछ सक्सेस फार्मूले के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं, कई बार हम लोग बहुत निगेटिव हो जाते हैं एंड निगेटिव होने का कारण होता है हमारी सेल नहीं। दोस्तों सबसे पहले बात समझिए, जब भी आप मार्केट में जाते हैं अपने क्लाइंट से बात करने, तो आप प्रोडक्ट की बात करते हो, अपनी बात नहीं करते। मींस आप अपने को सेल नहीं कर रहे, प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। कुछ कुछ गलत फहमी से हमें निकलना पड़ेगा। हमारा प्रोडक्ट वो चाहता है, तो अपने प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाइए। बहुत सिंपल देशी भाषा में मैं बात कर रहा हूँ। आप किसी शॉप पर जाते हो, आपने शर्ट का कपड़ा खरीदना है, आप मन में लेकर जाते हो पीले रंग का। अब पीले रंग के 50 कपड़े होंगे, हमें लगता है ना पीले रंग का कपड़ा खरीदना है, तो पीले रंग में बहुत सारे कलर होंगे। आपने कहा पीला दिखाओ, उसने आपको पीला दिखाया, आपको पसंद नहीं, आपने कहा ये वाला दिखाओ। अब आपने वो निकलवाया, वो बाहर से अच्छा लग रहा था, देखा तो उसमें भी अच्छा नहीं लगा, कहीं कलर नहीं मिल रहा, कहीं उसका कपड़े की क्वालिटी नहीं मिल रही, लेकिन करते करते पीले में से आपने एक पांचवा छठा कपड़ा खरीद लिया। आपने पहले कपड़े को जो रिजेक्ट किया था वो आपको कलर पसंद नहीं आया था, आपने सेल्समैन को नहीं रिजेक्ट किया था। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, आप क्लाइंट के पास जाते हो, आपने उसको 914 टेबल समझाई, उसे नहीं लगी अच्छी, आपने उसे जीवन लाभ समझाई, कंपैरिजन दिखाया एंड जीवन उमंग उसे पसंद आ गई। तो पीले रंग में भी कई कलर थे, हमारी इंश्योरेंस में भी कई कलर है, हमें प्रोडक्ट पकड़ने पड़ेंगे, उसकी प्रॉपर नॉलेज, ये पहली चीज है जहां पर हम कई बार अपने को सोचते हैं हम सेल नहीं हुए। उसके बाद हमारा बिजनेस, जैसे हमें कपड़े में कई सारी चीज के बाद एक कपड़ा पसंद आया, हमारा बिजनेस भी 9 का है। आप ये लेके चलिए, मेरे को 9 मिलनी है, 10 में से एक आदमी कोई रहेगा, तो आपकी ड्यूटी है 10 आदमी को प्रेजेंटेशन देना। धीरे धीरे 10 में से एक नहीं, 2 और 3 और 4 होने लगेंगे, जैसे जैसे आप अपनी नॉलेज, अपनी सेल्स की स्किल को बढ़ाएंगे। बिकॉज जो थर्ड पॉइंट है वो वही है कि हमारी नॉलेज और स्किल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बात करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब शुरुआत की थी सोचा था केवल प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, फिर लगा सेल्स का आइडिया दें, फिर उससे आप आगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो मैं अपनी स्किल बढ़ाने रहा हूं जिससे मैं आपके साथ और आगे बढ़ सकूं। तो हमारा उसके बाद क्या है, स्किल बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जिस दिन हमें यह लगता है मुझे सब कुछ आ गया, दोस्तों मैं भी एजुकेशन ले रहा हूं, आप भी एजुकेशन ले रहे हैं, हम दोनों जिस दिन तक सीखते रहेंगे हमारी ग्रोथ है, जिस दिन तक हम सीखते रहेंगे हमारी ग्रोथ है दोस्तों। और अगर सीखना बंद कर दिया हमने तो समझो हमारी ग्रोथ डाउन की तरफ आने लगी। तो क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि यस हम तो आगे ही बढ़ना चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। हमें केवल क्लाइंट को सोल्यूशन देने हैं, सोल्यूशन क्लाइंट की प्रॉब्लम के सोल्यूशन देने हमने, एंड इसके लिए ही तो स्किल बढ़ानी है। हमें समझना पड़ेगा आप अपनी एजेंसी को क्या समझते हो, जॉब या बिजनेस। जॉब मीन्स, मैं तो जॉब या कोई भी सैलरी हमेशा बोझ मानता हूं, क्योंकि जॉब आप अपने ड्रीम के लिए नहीं करते। जब आपके घर में आपका बच्चा फोन करता है पापा जल्दी आ जाओ, तो आप कहते हो बेटा ऑफिस की ड्यूटी के बाद ही आऊंगा। जॉब मीन्स नौकरी, क्या वो 1 करोड़ की सैलरी हो, 10 करोड़ की है, 10,000 वाली हो, जॉब मीन्स नौकरी। तो आप नौकरी मीन्स, और आप हमेशा ध्यान कर लीजिए, नौकरी मीन्स आप अपने बॉस से ज्यादा कहीं नहीं कमा सकते। हमारे प्रोफेशन में आप अपने सीनियर से ज्यादा कमा सकते हो, अपने पुराने एजेंट से ज्यादा कमा सकते हो, किसी भी रेंज में आप ऊपर आ सकते हो। सेकंड हो गया, हमने जब ये समझ लिया कि नो है, तो नो से आगे आपने जॉब को बिजनेस में, अपने इंश्योरेंस के बिजनेस को प्रोफेशन में बदल दीजिए, बिजनेस में बदल दीजिए। और ये समझ लीजिए, हमेशा कहा जाता है दुकान बिजनेस धीरे 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 ग्रोथ लेता है। तो आपको भी ये समझना पड़ेगा, शुरुआत में हमारी स्लो होगी, हमारी इनकम, कभी मेरी इनकम इंश्योरेंस से 200-400 रुपए महीना भी रही है, फिर वो बढ़ करके 1,000 के आसपास पहुंची, फिर 2,000, फिर बढ़ते बढ़ते आज इस रेंज में पहुंच गई कि मैं आराम से रह रहा हूँ, मेरी इनकम मेरे खर्चों से ज्यादा हुई, लेकिन उसमें टाइम लगा। हमें फसल बोनी है इंश्योरेंस के बिजनेस में, उसके फ्यूचर को समझिए। एक बार कैलकुलेट कीजिए, कुल एक छोटी सी रकम कह रहा हूं कि आप महीने में 1,00,000 रुपए की इनकम करते हो प्रीमियम, एक छोटी सी रकम की बात कर रहा हूँ, 25,000 रुपए का एक क्वार्टरली चेक लाते हो, 1,00,000 रुपए महीना,
आप जरा एक बार 10 साल की कैलकुलेट कीजिए अपनी इनकम विद रिन्यूअल, और एक बार 20 साल की, आप चौंक जाओगे इतने छोटे से काम से, कह रहा हूं, और केवल 10% की ग्रोथ रखी है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां पहुंच गया। और दोस्तों एक चीज मैं कहूंगा, मैं रिबेट के ऊपर बहुत सारा लेक्चर अलग से कभी क्लास करेंगे, लेकिन रिबेट मीन्स सर मैं नहीं करता, इससे ज्यादा दिमाग लगाता की जरूरत नहीं है, छोड़ना सीखिए। जिस दिन छोड़ोगे काम बढ़ जाएगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। जिस दिन आप रिजेक्ट, कई लोग होते हैं ना रिबेट की छोड़ के आते हैं तो बताते हैं क्यों, उनको लगता है आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। इस अच्छे काम को रोज कीजिए, धीरे 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 आपका सर्किल ही विदाउट रिबेट बन जाएगा। इंश्योरेंस एजेंट उनके साथ रहिए जो पॉजिटिव है, जो मैंने मुहिम की है, कल मैं हमारे दोस्त हैं आए हुए वगेश, मैं उनसे बात कर रहा था, मेरे को तो आपकी एजेंट की ब्रांच के सबसे लोएस्ट 100-150 लोग चाहिए, हमें उन लोगों को पॉजिटिव करना है, सारा माहौल पॉजिटिव करना है, हमें निगेटिव व्यक्ति के साथ नहीं रहना है। हमारे को एक और चीज की गलत फहमी होती है, स्पेशली जब हम एजेंट बनते हैं, हमारे डीओ सर, हमारे सारा ब्रांच, सभी लोग कहते हैं चिंता मत करो मैं हूं। ये शाहरुख खान का डायलॉग नहीं चल पाता, क्योंकि उनके साथ जैसे हम हैं वैसे ब्रांच में 400-500 एजेंट है, हमारे बीएम और एबीएम सर के पास, हमारे डीओ सर के पास भी 50-100 लोगों की टीम होती है, तो हमें सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। इस चीज को समझ लीजिए, हमें हर काम में जो काम नहीं आता सर एक बार बता दीजिए मैं कर लूंगा। कई लोग हाइट वेट के लिए अपने डीओ सर के ऊपर डिपेंड होते हैं, केवल हाइट वेट के लिए, वो एक चार्ट है प्रॉपर किसी के पास ना, मुझे बता दीजिए मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इतने फुट इतने इंच, उसके इतने सेंटीमीटर उठने, अगली तरफ होता है चार्ट में, ये एज है, ये हाइट है, वेट कितना होना चाहिए, और हम लोग केवल इसीलिए अपने डीओ सर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। सब कुछ हमें अपने आप सीखना पड़ेगा, और लगे रहो, लगे रहो मीन्स मैं कितने टाइम से आपके साथ आ रहा हूं ना, उसके बाद काम भी करता हूं, तो लगे रहो मीन्स हमें अपने एजेंसी में बस लगे रहना, सक्सेस तो पीछे से फॉलोअप करेगी, जैसे हम कहते हैं ना क्लाइंट को फॉलोअप करो, आप क्लाइंट को फॉलोअप करोगे सक्सेस आपको फॉलोअप करती रहेगी, इस चीज को समझिएगा। सबसे जरूरी काम में से एक काम है सेल्स को सीखना, सेल्स के तरीके सीखना, सेल कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है, अगर जो आपने अपनी जिंदगी में 2-व्हीलर सीखा, 4-व्हीलर सीखा, जिसको पायलट बनना था उसने पायलट का कोर्स किया, हमें इंश्योरेंस सीखना था हमने इंश्योरेंस के सारे प्रोडक्ट की नॉलेज ली, मीन्स नॉलेज ली जा सकती है, तो सेल्स की नॉलेज ली जा सकती है, एंड सेल्स की मास्टरी जिस दिन आपने कर ली उस दिन आपकी लाइफ चेंज है, क्योंकि उस दिन आप सक्सेस, जो हम कहते हैं इंश्योरेंस के अंदर 10 में से 1 9 10 में से 10 भी हो सकते हैं, इस बात को विश्वास रखिए, जिस दिन आप क्लाइंट को नीड बेस, मैं कहता हूं उसकी नीड निकालना सीखिए, उसकी नीड निकालिए, नीड निकालनी पड़ेगी, हमें नीड बनानी पड़ेगी, वो सेल्स का असली फार्मूला है। एंड अपनी तरफ से बेस्ट सर्विस हमें देनी है, हमें हमेशा बेस्ट सर्विस देनी है, बस इस बात का ध्यान रखिए। एक चीज और कहूंगा दोस्तों, बिजनेस में अपने प्रोसेस, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है प्रोस्पेक्ट और सस्पेक्टिंग से, अपने स्टेप, आज सब अपने अपने बिजनेस के स्टेप लिखिए, कितने स्टेप होते हैं हमारे बिजनेस में सेल तक, आप चाहें मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरा नंबर है 9818294653, आप सब मुझे व्हाट्सएप कीजिए स्टेप, उसमें कुछ हटाना होगा मैं हटाऊंगा, कुछ बढ़ाना होगा बढ़ाऊंगा, एंड बिजनेस के स्टेप करने के बाद उनको फॉलोअप कीजिए। अरे कोई सिस्टम बनाइए ना, एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्या होता है वो इधर से जो प्रोडक्ट बनना है उसके सारे जो भी चीजें हैं रॉ मटेरियल कह सकते हो, रॉ मटेरियल बना करके एक मशीन में डलना शुरू होता है, धीरे धीरे प्रोसेस होता है, दूसरी तरफ से मशीन से आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं वो बाहर आती है। कुछ प्रोसेस अपने भी बनाइए, आप लिखिए प्रोसेस, मेरे बिजनेस के क्या क्या प्रोसेस है, उनको मैसेज कीजिए, हम उसमें डिस्कस करेंगे, और जिस सबको अच्छा होगा मैं उसको एक सरप्राइज गिफ्ट जरूर दूंगा। लेटेस्ट अपडेट, हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या लेटेस्ट अपडेट हो रहा है इसको लीजिए। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है आजकल नहीं, पहले आप भेजिए दीपक, मैं उसमें ऐड करूंगा जिससे आपका दिमाग चले, आपके अंदर से निकले कि क्या चीज है, क्या क्या मेरे बिजनेस में हो सकता है, मैं उसमें ऐड जरूर करूंगा और सबको जवाब दूंगा जितने लोग हैं। दोस्तों एक और चीज, हम सब लोग जब बिजनेस कर रहे हैं ना उस प्रोसेस में एक चीज बहुत बार आती है, मैं बहुत सारे और भी देखता हूँ, मैसेज भी आते हैं मेरे पास,
टेक्नोलॉजी का यूज, और उसमें आता है सोशल मीडिया की मार्केटिंग। बहुत सारे मैंने देखे लोग कहते हैं हम कोर्स चलाएंगे, सोशल मीडिया सिखाएंगे। दोस्तों बहुत ज्यादा खर्चा और बेकार पैसे करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो बिजनेस है उसके अंदर आप लिंक्डइन चलाओ, है लिंक्डइन से भी फायदा है, लेकिन लिंक्डइन चलाने के लिए फिर आप लिंक्डइन में ना उलझे रहते हैं। तो मैं जो यूज करता हूं मैं बहुत सिंपल, आप सबको पता है, फेसबुक में सिंपल सिंपल अपनी एड शुरू कीजिए, और एक अपना वीडियो या यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल नहीं होता, अपना सिंपल वीडियो बनाइए और अपने क्लाइंट को भेजिए। केडी दत्ता जी हमारे यहाँ बीच में, उन्होंने अपने वीडियो डालने शुरू किया, बिल्कुल सिंपल। वही तो है, जब 100 आदमियों के पास जाएगा अपने आप रिजल्ट आएगा। तो बहुत मार्केटिंग कोर्स मैं देख रहा हूं, 5,000, 1,500, 2,500, बहुत सारे रेट आ रहे हैं। भैया तुम्हें कितना सीखना है, कहीं ऐसा तो नहीं वो अपनी सोशल मार्केटिंग कर रहे हैं, आपकी जरूरत के हिसाब से सीखना शुरू कीजिए। हमें जो मैंने महसूस किया हमारे बिजनेस में, फेसबुक चलता है, फेसबुक और वीडियो दो चीज है। अपने पैसे को बचाना सीखिए, कहीं ऐसा तो नहीं ट्रेनर ने बहुत बड़ी बड़ी बात की और आपने कहा चलो जी 5,000 रुपये का कोर्स करते हैं, पता नहीं कितने हैशटैग और ये और वो, मेरे को नहीं समझ में आता। इंस्टाग्राम आजकल, मेरे को कल किसी ने एडवाइस किया इंस्टाग्राम, भाई मेरा काम है मेरे जो 2 किलोमीटर के एरिया में है उन लोगों को संबोधित करना, उसके लिए सस्ता और अच्छा जुगाड़ जो प्रैक्टिकल है वो हम करेंगे। अपनी गलती, आप जो काम कर रहे होते हैं, जितनी भी इन्विटेशन, जितनी भी खोज हुई, वो हमारी गलतियों के बाद बेस्ट हुआ। तो हमने कोई गलती कर दी, कोई गुनाह नहीं किया, इसका मतलब है हम इस लेवल तक थे, अब यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए। एक दिन आपको 20 में से 20, 10 में से 10 पॉलिसी सेल करने का फार्मूला जरूर मिलेगा, ये प्रॉमिस है, मैं आपके साथ हूं। अपने बिजनेस को बस एक लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने शॉर्ट बनाने शुरू कर दिए, मैं लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने बिजनेस को कैजुअल मत लीजिए। आप सोचिए बहुत सिंपल, आपके यहाँ आपकी फैमिली में लेडीज सब्जी खरीदते हैं, वो आप देखोगे उनसे पूछो कहेगा लगभग 12 साढ़े 12 बजे आता है, मीन्स उन्हें पता है 12 बजे मेरा सब्जी वाला आने वाला है, तो वो क्या करती है 12 बजे के आसपास प्रिपेयर है। अच्छा सब्जी वाला एक दिन सुबह 6 बजे बेल बजा दे, एक दिन शाम को कभी आए ना, तो क्या उसका काम चलेगा? लेडीज कहेंगे भैया तू रहने दे, हम कहीं ऐसी जगह से ले आते हैं जहां गारंटी हो। सेम चीज हमारे बिजनेस की, अपने कैजुअल मत लीजिए, अपने बिजनेस की टाइमिंग कीजिए। मैं इसमें बहुत बड़ा उदाहरण भी दे सकता था, मैंने सिंपल वाला उदाहरण दिया। आप देखिए हर शॉप का एक टाइम होता है, आप मदर डेयरी से जाते हैं तो 5:45 6 बजे खुल जाती है वो, आपके मार्केट की शॉप 11 बजे के आसपास खुलती है, एक फिक्स टाइम पे आपको पता भी ये बंद होने लगेंगी। सेम हमारा भी होना चाहिए, हमारा एक फिक्स टाइम टेबल, कितने बजे आप अपनी सीट पे बैठेंगे, कितना बजे फोन करेंगे, कितनी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, ये सब करके अपने बिजनेस की ग्रोथ का ध्यान रखिए। आपका आज का दिन बहुत शुभ हो, मैं KM शर्मा आपको थैंक यू करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। एक बार अपने बिजनेस के प्रोसेस को जरूर मुझे मैसेज कीजिए, मैंने नंबर डाल दिया है 9818294653। थैंक यू, कल सुबह 8 बजे।